तब तो ये बात जो प्रबंधन पे दबाव बनाता है, जो अदालत के शरण में जाता है या पुलिस के शरण में जाता है या प्रशासन के पास जाता है, दबाव बनाता है, उसको पाई पाई मिल जाता है। इसका मतलब तो सहारा प्रबंधन धुर्तता कर रही है, धूर्तता कर रही है, धोखा दे रही है लोगों को, झूठ बोल रही है। जो दबाव बनाता है उसको दे दो, जो गरीब है, जो बेचारा कमजोर है, जो आवाज नहीं उठा सकता है, उसके पैसे का लूट लो, भाग जाओ यहां से, ये काम कर रही है सारा प्रबंधन। देखिए सर, मैं आपके सामने कल एक ड्राफ्ट दिखाया था मैंने प्रमाण के साथ में, जब सीआरसी ने 3 कंपनियों को ऑर्डर कर दिया भुगतान करने के लिए, तो ग्वालियर में अप्रैल और मार्च में 1 करोड़ का भुगतान कैसे हुआ? वहां पर सेबी कांच, वहां पर सीआरसी डिपार्टमेंट कहां चला गया? कंपनी के लीगल एडवाइजर कहां चले गए? जब अरेस्ट वारंट निकले और जब इनको सुप्रीम हाई कोर्ट में जब इनकी तारीख थी वहां पेश किया गया, तो उनका 1 करोड़ का भुगतान दिया गया इस ब्याज के साथ में। मैंने प्रमाण आपके साथ रखा है, तो वहां सीआरसी लागू क्यों नहीं हुआ? आम जनता के पीछे सीआरसी लागू है, जो लोग हमारे एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना काल में, उनके लिए सीआरसी लागू है। वहां इनके अधिवक्ता कंपनी के कहते नजर आते हैं हाईकोर्ट में कि आप सीआरसी जाइएगा, तो कई ये सीआरसी के सगे थे ग्वालियर वाले, ग्वालियर के कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर हुआ और अरेस्ट वारंट का ऑर्डर हुआ, वहां आपने 1 करोड़ का भुगतान कर दिया, वहां कानून भारत सरकार का कहां चला गया? माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का कानून कहां चला गया? मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बड़े सभा बोल रहे थे कि हम एक पाई पाई का हिसाब करेंगे, आज ईडी का दबाव बना है, मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं भारत सरकार को, लेकिन मैं संयुक्त ऑल इंडिया जनता संघर्ष न्याय मोर्चा शांत न बैठेगा, न बैठा है, न बैठा रहेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अपने अध्यक्ष के माध्यम से रखेगा। सुनिए, जो जैसा अभी अभय जी ने कहा कि एजेंटों ने पूरा गुमराह किया और एक प्रकार से हमारे सारे निवेशकों को धोखे में रखा और वो कभी निकल के नहीं आए, ये जब निवेशक बंधु आगे आए हैं तो आए हैं और कुछ एजेंट, तो उसमें से कितने परसेंट एजेंट हैं जो बिल्कुल फ्रॉड है, झूठे हैं, ठगाई कर रहे हैं, आज भी ठग रहे हैं, और या फिर ज्यादातर एजेंट यही हैं, क्योंकि एजेंटों की भी संख्या 3 लाख 4 लाख के आसपास होगी, लोग तो कहते हैं 12 लाख, लेकिन मैं अगर ऑफिशियली मानूं तो 3 लाख के आसपास होगी एजेंट की संख्या। देखिए, एजेंट वर्ग जो है वो टॉप सीनियर जो वर्ग है वो भ्रमित कर रहा है, मध्यम एजेंट है, लो एजेंट है, वो आज भी मेहनत कर रहा है और करके कोशिश कर रहा है, वो अपने डर के मारे भाग रहा है, और जो बड़े लोग भ्रमित करके इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और छोटा एजेंट को दबाया जा रहा है, छोटा एजेंट नहीं आ रहा है हमारे सामने। कितने परसेंट को आप कह रहे हैं कि सारे एजेंट वैसे ही है? अरे सामने आने क्यों, सारे एजेंट मैं वैसे की बात नहीं करता, अगर सारे एजेंट अगर होते तो हमारे साथ में 5,000, 7,000, 10,000, 25,000 कार्यकर्ता जो खड़ा हुआ है, जो पहले था आगे है, आगे भी है, आ भी रहा है, तो है, लेकिन कुछ परसेंटेज 95% ऐसे हैं, लोग आज भी सामने ना आना चाह रहे और उनको जमाकर्ता को सच्चाई नहीं बता रहे, 95% एजेंट हैं आज की डेट में। वो कैश के बारे में जरा अब आप बताइए, क्योंकि अगर ईडी वहां पहुंची है तो मनी का ट्रांजैक्शन के बारे में वो हिसाब किताब ले रही होगी। अभी जो कल आपने कहा कि मैक्सिमम लेन देन जो होता था वो कैश का होता था, तो साहब ये कैश कितने दिन में जाकर के बैंक में जमा होता था? और अगर मान लीजिए कि आपने 24 घंटा भी रख लिया तो उससे तो बहुत बारे न्यारे कर लेंगे, और एक दिन में टोटल कलेक्शन कितना होता था सर, जरा बताएंगे? देखिए सर, देखिए, अगर ईडी चाहे ना तो बाल में से खाल निकाल सकती है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 70 साल का चिट्ठा खोल दूंगा, आज 70 साल का चिट्ठा क्यों नहीं खोले सारा के बारे में? हम आपके मंच में क्या चिट्ठा खोलेंगे, क्या बता पाएंगे? आज देश का प्रधानमंत्री हर जगह कहता है 70 साल का चिट्ठा खोल दूंगा, क्या उनको 2014 से 2024 तक सारा इंडिया का चिट्ठा नहीं खोल पाए? क्या उनके अधिकारी चिट्ठा नहीं खोल पाए? क्या सहकारिता मंत्री 15 महीने चिट्ठा नहीं खोल पाए? हम क्या चिट्ठा खोलेंगे सर? चिट्ठा अगर ये चाहे 24 घंटा तब होगा, बाल की खाल खींच सकते हैं कि चिट्ठा खुल जाएगा।
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।